हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टी फैक्ट्स में। एक ऐसा जानवर जिसका वजन हर दिन 90 किलो का होता है, ऐसा भी ग्रह है जहाँ पे हीरो की बारिश होती है। ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूंछ नहीं होती। कार्टून करेक्टर सिंचेन की रियल स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच में भी ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, पेंगुइन्स के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया हो तो वह उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। नंबर 19, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के कई दिनों बाद तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वे सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर नहीं करते बल्कि अपने बॉडी में निर्भर करते हैं। बॉडी में निर्भर मौजूद पोर्स से सांस ले सकते हैं। वे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वे पानी नहीं पी सकते। फैक्ट नंबर 18, भारत में कई जगहों पर मान्यता है कि यदि आपके कारण किसी बिल्ली की मौत हो जाए तो फिर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली को चोट पहुंचाना मौत की सजा दिला दे? जी हाँ, एंशियंट एजिप्ट में सिर्फ राजा महाराजाओं को ही बिल्ली पालने की अनुमति थी और तब ऐसा कानून था कि यदि कोई जाने अनजाने में बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। फैक्ट नंबर 17, जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग एंड इंपीरियल कॉलेज में हालिया रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों के हाथों और पैरों में 6 उंगलियां होती है वे 5 उंगलियों वालों की अपेक्षा काम को ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। उनका दिमाग 5 उंगलियों वालों से ज्यादा तेज गति से काम करता है, साथ ही हर काम में वह बेहतर संतुलन बनाए रखते हैं। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले हमें कुछ फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि जब ये शुरू में दिखाए जाते हैं तो इन्हें ट्रेलर क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कि लगभग 100 साल पहले इन्हें मूवी खत्म होने के बाद ही दिखाया जाता था, लेकिन जब देखा गया कि अधिकतर लोग मूवी खत्म होते ही हॉल छोड़कर चले जाते हैं और ट्रेलर देखने के लिए कोई नहीं रुकता तो इन्हें फिल्म के शुरू में दिखाए जाने लगा। फैक्ट नंबर 15, अक्सर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोस्त खाने का नहीं बल्कि हमारी टेस्ट बूट्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बड्स की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है, साथ ही हमारी स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें खाना बेस्वाद लगने लगता है। फैक्ट नंबर 14, आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जॉइंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे और वो दिन था June 25, 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया इनके बारे में जानने के लिए बेताब थी जिस कारण से ऐसा हुआ था। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरिया एरिया के लोगों फोटो खींचते समय से प्रिंस कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे की गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजों की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को ही नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों दुनिया में 97% लोग पेन खरीदने के बाद या तो अपना नाम लिखते हैं या सर्पिलाकार आकृति बनाते हैं। नंबर 11, मार्क जकरबर्ग फेसबुक को बेचने की मंशा बना रहे थे तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें भारत के एक मंदिर के आश्रम में जाने को कहा था और उसी के बाद से फेसबुक को नई ऊंचाई छुई। वह मंदिर नैनीताल के पास पंत नगर में बाबा नीम करोली का आश्रम ही है। इस आश्रम में 1974 में स्टीव जॉब्स भी
आ चुके हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 10, दोस्तों अब गर्मियों में अपने पूरे बॉडी पर पसीना जरूर आता होगा, लेकिन एक अपनी बॉडी में एक ऐसी जगह भी है जहां पसीना नहीं आता और वो है दोस्तों अपने लिप्स यानी कि अपने होंठ। होंठों पर कभी पसीना नहीं आता। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अगर आप किसी स्पाइडर को किसी मकड़ी को अगर आप जलाओगे तो वो एक बारूद की तरह फट जाएगी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों सोमवार एक ऐसा दिन होता है जब हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांस होते हैं। स्कॉटलैंड में हुए एक अध्ययन के अनुसार 20% लोग अन्य किसी दिन के बजाय सोमवार को दिल के दौरे से मरे हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों मार्क जकरबर्ग अपनी सैलरी के तौर पर बस $1 लेते हैं, इसके बावजूद भी वे दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप जितने ठंडे कमरे में सोएंगे उतने ही रात को डरावना सपना आने के चांस बढ़ जाते हैं। नंबर 5, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है और वो है इनमें से 3 राजाओं की मूछें होती है लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग्स ऑफ हर्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स की बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो उनमें से 3 राजाओं की मूछें होती है। फैक्ट नंबर 4, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं दो बार, लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जापान के सुटोमी यामागुची एक ऐसा ही भाग्यशाली व्यक्ति है। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए पर चमत्कारिक रूप से वह मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगह पर मौजूद थे कि सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 3, कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है, और वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी होता जाता है। और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख kg तक हो सकता है। नंबर 2, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है तो शायद आप बाइबिल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने वाले इका स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती है। फैक्ट नंबर 1, न्यूज़पेपर में कहानियों और फिर कॉमिक्स के रूप में सफर शुरू करने वाले इस शैतान करेक्टर सिंचैन को आज कौन नहीं जानता। सिंचैन आज टीवी पर आने वाले लोकप्रिय कार्टून शो में एक है जिसे हर उम्र के लोग चाव से देखते हैं। सिंचैन की एनिमेटेड सीरीज को देखकर शायद ही आप अपनी हंसी रोक पाए। छोटा सा शैतान बच्चा अपनी आवाज़ और अलग अंदाज से सभी को सदियों से अपना दीवाना बनाए हुए है। सिंचैन का पूरा नाम शिनोसुके नोहरा है, जिस पर शो को क्रायोन सिंचैन नाम दिया गया है। इससे इसके माता पिता, बहन हिमवारी और एक छोटा पपी है। दरअसल शो क्रायोन सिंचैन में क्रायोन से जुड़ी बेहद दर्दनाक कहानी है, जिसे जानकर शायद आप इस शो को दोबारा उसी भाव से शायद ना देख पाए। मसाई नाम की महिला जिसका एक 5 साल का बेटा शिनोसुके नोहरा और एक छोटी बेटी थी, एक दिन अपने बच्चों के साथ बाजार घूमने लिए निकली, जिस दौरान छोटी बच्ची खेलते खेलते सड़क पर पहुंच गई और मसाई का ध्यान नहीं गया। अपनी बहन को सड़क पर जाते देख उसका भाई उसे बचाने के लिए सड़क की ओर दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश से वह बच्चा कार के नीचे आके हादसे का शिकार हो गया। बेटे की मौत के बाद उसकी माँ बेहद परेशान रहने लगी।
और अपने बच्चे की याद में पेपर पर चित्र बनाती। साथ ही वह चित्र द्वारा यह दर्शाती कि यदि उसका बेटा आज जिंदा होता तो सब किस प्रकार खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे होते। इस दर्द भरी कहानी के एक पहलू को छिपाते हुए दूसरे पहलू को बखूबी सभी के सामने कहानी और कॉमिक के रूप में रखने का श्रेय योशिता उसाई का जाता है। रॉयल सिंचेन के लेखक है योशितो उसाई की 2009 में मृत्यु के बाद भी यह शो चल रहा है। सिंचेन की इस दर्द भरी कहानी को एक एपिसोड में दिखाने के लिए तैयार किया गया लेकिन उस एपिसोड को कभी भी प्रसारित नहीं किया गया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।